सोनू सूद जी, जिन्होंने 2020 में मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था उनके लिए बस सर्विस शुरू करवाई थी, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर कैसे हीरो बनकर सबके सामने आए थे, और इसके बाद इन्होंने कोविड से ग्रसित पेशेंट को उनके इलाज के लिए या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जहां तक पहुंचाने हैं उनके लिए इन्होंने बहुत कदम उठाए हैं। आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात दूसरी है। आज उनके ऊपर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने जिस पेशेंट के लिए बेड अरेंज करवाया था, ये इल्जाम बकायदा ओडिशा के एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर लगा रहे हैं। वहां के डीएम उन्होंने ये बात कही है कि जिस पेशेंट के लिए इन्होंने हॉस्पिटल में बेड अरेंज करवाने की बात की है उनका जो क्रेडिट इन्होंने लिया है, एक्चुअल में उस पेशेंट ने कभी कहा ही नहीं था सोनू सूद को कि मेरे लिए बेड अरेंज करवाओ। तो कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ओडिशा के गंजम के डीएम ने एक्सपोज किया है सोनू सूद को, यह कहते हुए कि उन्होंने फेक क्लेम किया है, उन्होंने एक पेशेंट के लिए बेड अरेंज करवाया हॉस्पिटल में जबकि पर्सन तो घर पर आइसोलेटेड था बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में। ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बात भी सामने रखी है कि इस पर्सन ने कभी रिक्वेस्ट की नहीं थी सोनू सूद सर से कि भाई हाँ आप मेरे लिए बेड अरेंज करवा दो। इन व्यक्ति का नाम है प्रदीप बेहरा, जिन्होंने एक ट्वीट के जरिए सोनू सूद से हेल्प मांगी थी कि उनकी वाइफ के लिए भुवनेश्वर में या धर्मपुर में कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, प्लीज सोनू सूद सर मेरी हेल्प करिए, और इन्होंने यहां पर अपना नंबर दिया था। यह ट्वीट थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस ट्वीट के डिलीट होने से पहले सोनू सूद ने इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया और कहा कि हॉस्पिटल में बेड जो है वो अरेंज करवा दिया गया है। और जो ओडिशा के डीएम है उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बात बताई कि उन्हें ऐसी कोई रिक्वेस्ट मिली ही नहीं जहां पर एक ऐसे बेड की रिक्वायरमेंट हो या फिर सूद फाउंडेशन की तरफ से या फिर सोनू सूद की तरफ से, ऐसी कोई भी उन्हें ऐसी रिक्वेस्ट मिली नहीं। और जिस पेशेंट के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की बात की है वो तो घर पर आइसोलेटेड है स्टेबल कंडीशन में। और केवल यही केस नहीं है, इसके अलावा और भी केस हैं, और इनके सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि वो अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसे पोस्ट शेयर कर रहे हैं जहां पर ये खुद को मसीहा बता रहे हैं कोविड 19 के लिए। एक इमेज इन्होंने शेयर की जहां पर भारत माता का मस्तक इनके आगे सामने झुका हुआ है, और एक इमेज में जिनमें ये हनुमान बनकर सामने आ रहे हैं, और भी बहुत सारे इमेजेस हैं। और केवल यही कंट्रोवर्सी नहीं है, इसके अलावा जो इन्होंने प्लाज्मा अरेंज करवाया था कोविड पेशेंट के लिए वो इन्होंने क्लेम किया कि मैंने करवाया लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं था। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर इन्होंने किसी कोविड पेशेंट के लिए अरेंज करवाया वो सामने निकल कर आए, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कोई ऐसी बात कही नहीं किसी को। यार आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज कमेंट करना कि आपको क्या लगता है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।